जमशेदपुर पर अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार तीन दिन से हो रही बारिश की वजह से चांडिल डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान तक पहुंचने से पहले डैम के 13 में से 9 गेट खोल दिए गए। डैम का जो गेट है वो खोले जाने को वजह से दर्जनों विस्थापित गांव जलमग्न हो गए हैं। अगर और फाटक खोलने की नौबत आई तो जमशेदपुर के मानगो और दोमुहानी इलाके में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। अभी बांध का जलस्तर 182 मीटर पर पहुंच चुका है। अधिकारियों का कहना है कि अगर चांडिल डैम का जलस्तर 184 मीटर हो गया तो 116 गांव खतरे में आ जाएंगे। ये सभी गांव बाढ़ की जद में आ जाएंगे। झारखंड में लगातार बारिश की वजह से खड़कई और स्वर्णरेखा नदी पर कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। स्वर्णरेखा का जलस्तर बढ़ने से जमशेदपुर के मानगो के निचले इलाके में बाढ़ आ जाती है। स्वर्णरेखा और खड़कई का जमशेदपुर में ही संगम ही है जिसे दो मुहानी कहते हैं। इन नदियों का जलस्तर बढ़ने से उसके आसपास बसी बस्तियों में भी पानी घुस जाता है। झारखंड में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगह जल जमाव से लोग परेशान हैं और घरों में दुबके हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के छत्तीसगढ़ जाने से ही उसके बाद में जो हालात है वो सामान्य होने की संभावना है। देखिए बारिश से बिगड़े हालात पर यह रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण पूरे राज्य में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भी बारिश हो रही है। राजधानी रांची में रविवार से ही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर में कई जगह जल जमाव की स्थिति हो गई है। लगातार बारिश से लोगों को अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से ये हालात बने हैं। इससे पलामू, डाल्टनगंज, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। कई जगह बारिश हो भी रही है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इन जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मंगलवार से अधिकतर हिस्सों में स्थिति सामान्य हो सकती है, पर चतरा, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में बारिश होगी। लातेहार जिले में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग NH 75 में होट बाग के पास एक पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो गई। इसके बाद इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। उधर प्रशासन ने लातेहार मानिका मार्ग को भी बंद कर दिया है। वहीं अन्य इलाकों में भी जारी मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उधर लगातार बारिश से पलामू जिले के सतबरवा थाना इलाके की औरंगा नदी की तेज धार में 5 युवक लगभग 9 घंटे तक फंसे रहे। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने 5 युवकों को बचाने के लिए ड्रोन की मदद से रस्सी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन 5 युवकों की सहायता करने में नाकाम रहा। इस बीच उसी इलाके का युवक अमृत बहादुरी दिखाते हुए नदी में कूद गया और 5 युवकों की जान बचाई। 5 युवक जिस जगह पर फंसे थे उस जगह से कुछ दूरी पर नदी में पेड़ों की श्रृंखला थी। अमृत ने 5 युवकों को तैरने के तरीके की जानकारी देकर उन्हें हिम्मत दी। फिर मानव श्रृंखला बनाकर 5 युवक अमृत के साथ तैरकर पेड़ के पास पहुंच गए। आखिरकार 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 5 युवक ग्रामीणों की सहायता से किनारे तक पहुंच गए। बोकारो में भी लगातार बारिश ने कहर बरपाया है। तेज हवा और बारिश के चलते चंदन कियारी झरिया रोड नेशनल हाईवे 218 स्थित लाखला मोड़ के पास एक विशाल वृक्ष उखड़कर मुख्य सड़क पर गिर गया। इससे घंटों गाड़ियों की जाम लगी रही। जाम से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये सड़क झरिया से पुरुलिया को जोड़ती है और हाल के दिनों में बिरसा पुल की मरम्मत का काम पूरा होने पर पुल को सुचारू रूप से शुरू किया गया है। इस सड़क पर भारी वाहनों का लोड भी है। 218 में भारी एक पेड़ गिर जाने के कारण लगभग 3 घंटा से यहाँ पे रोड जाम है। पिछले कुछ दिन पहले बिरसा पुल चालू भी हुआ। ये रोड काफी भारी वाहन का रोड है और जो कि लंबा कतार भी लग गया है। प्रशासन इसको जल्दी से संज्ञान ले और इसको पेड़ को साइड करने में अपना सहायता दे। हम सब ग्रामीण भी यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण राज्य में जानमाल का नुकसान भी हुआ।
पलामू में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं लातेहार में पानी के बहाव में एक व्यक्ति बह गया। राजधानी रांची में रविवार देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव के छत्तीसगढ़ जाने के बाद ही इसका असर कम होगा, तब तक लोगों को नदियों के पास न जाने की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।